आम आदमी पार्टी की दलील है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। एमसीडी के चुनाव में भी उसका प्रदर्शन निराशाजनक था। ऐसे में आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस दिल्ली की एक भी सीट की हकदार नहीं है, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों के आंकड़ों का आईना दिखा रही है। 2019 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सभी 7-7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब कांग्रेस को 23% और आम आदमी पार्टी को 18% के करीब वोट मिले थे। 5 सीटें ऐसी थी जिन पर कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। कि वो यहाँ कुछ कहता है, वहाँ कुछ कहता है, हकीकत कुछ और है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है। पिछली मरतबा भी हम लोग चाहे कोई सीट नहीं जीत पाए थे, इस बार भी कांग्रेस का कार्यकर्ता पिछली बार से ज्यादा ऊर्जा के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार। हमने साथ ही ये भी प्रपोज किया है कि दिल्ली में 6 सीट आम आदमी पार्टी कंटेस्ट करेगी और 1 सीट पर कांग्रेस कंटेस्ट करेगी।